means YB125ZDX. तो बात शुरू करते हैं YB125ZDX. बहुत ही खूबसूरत यामाहा ने एक स्पोर्टी लुक फैमिली बाइक हमें दिया है. आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लुक दी गई है. अगर मैं आपको फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में वही हेलोजिन बल्ब लाइट्स मिलती है हमें और फ्रंट पर टेलीस्कोपिक शॉक्स जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं. और बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो बिल्कुल पहले की तरह है. और आप देखिए यामाहा इसका गोल्डन कलर का लिखा हुआ है. ये DX की पहचान है. दूर से आपको पता चल सकता है कि ये DX है या सिंपल YBZ है. बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट पे डिस्क ब्रेक सिंगल कैलिपर पिस्टन डिस्क ब्रेक जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है. और अलॉय रिम्स आप देखें बहुत ही खूबसूरत दिए गए हैं. और टायर्स की बात करें तो सर्विस के आपको टायर्स दिए गए जो कि YBZ सिंपल में भी यही दिए गए हैं आपको. बाकी अगर आप बाइक की लुक देखें तो बहुत ही अच्छी बाइक है. 125cc OAC इंजन के साथ आपको मिलती है. और परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है आपको. आप देख सकते हैं आपको इसमें गियर शिफ्ट लीनियर पैटर्न दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है. सारे गियर आपके डाउन की तरफ लगेंगे. कार्बोरेटर इसमें आपको बटरफ्लाई मिलता है जिसकी आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है. और अगर हम इंजन की बात करें तो बिल्कुल ये सिल्वर कलर में आपको मिलता है. और बैक पे आपको हार्ड प्लास्टिक का चेन कवर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. और शॉक्स एडजस्टेबल दिए गए इसमें. और बाकी आप बाइक की लुक देखें बैक से तो बैक की लाइट इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक में दी गई है. और बैक मडगार्ड आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलते हैं. अगर हम बैक ब्रेक्स की बात करें तो बिल्कुल बैक ब्रेक्स इसकी जो है वो ड्रम ब्रेक्स दी गई है. और बैक हब इसका बहुत ही खूबसूरत कर दिया गया है. अलॉय रिम्स के साथ इसका बैक हब थोड़ा छोटा कर दिया गया है जिसके साथ बाइक की खूबसूरती में और इजाफा हो गया है. आप देख सकते हैं जैसे कि YBZ सिंपल में हब बड़ा था, इसमें हब थोड़ा छोटा कर दिया है अलॉय रिम्स की वजह से और बाइक की खूबसूरती में इजाफा ज़्यादा हो गया है. बैक पे आपको देख सकते हैं एडजस्टेबल शॉक्स मिलते हैं. आप इन्हें हॉर्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं. एग्जॉस्ट की बात करें तो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट आपको दिया गया है और इसका साउंड थोड़ा वाइड है. और ये आप देख सकते हैं इसका बैक जो पैदान है वो अलग लगा हुआ है अलग पैनल पे. इसकी खासियत ये होती है कि बैक पर्सन को वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं होती. बाकी अगर कार्बोरेटर की बात करें तो बटरफ्लाई कार्बोरेटर इसमें दिए गए जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्म देते हैं. सिटी में आपको 45 प्लस की एवरेज देते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे 50 प्लस की एवरेज के मामले में ये कार्बोरेटर बहुत ही अच्छा दिया गया है. बाकी अगर बाइक की लुक की बात करें तो स्पोर्टी लुक बाइक आपको दिए गए. और ये नया इंट्रोड्यूस करा है DX. आप देख सकते हैं DX का मोनोग्राम टैंक पे. ग्राफिक्स की बात करें तो YBZ सिंपल में भी आपको ये ग्राफिक्स मिलते हैं. बाकी आप देख सकते हैं इसके हैंडल बार, ये आपको पार्किंग लाइट का बटन, सेल्फी स्टार्ट और ऊपर आप देख सकते हैं लाइट का बटन, ये पार्किंग लाइट लाइट का बटन. और बाकी अगर हम मीटर की लुक की बात करें तो मीटर YBZ का बिल्कुल सेम आ रहा है. स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर्स और ये आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स के इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं. मीटर तकरीबन YBZ का शुरू से सेम आ रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं की गई. और अगर मैं आपको बाइक की एक बार फिट लुक दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत बाइक दिए गए, स्पोर्टी लुक. अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 1,63,500 इसकी प्राइस है. और ये मेरे हिसाब से प्राइस उन्होंने बहुत ही अच्छी रखी है, रिजनेबल. अगर हम कंपेयर करें YBZ सिंपल से कंपेयर करें तो 12,000 का डिफरेंस है टोटल. और 12,000 में आपको अलॉय रिम्स भी मिलते हैं और डिस्क ब्रेक भी दी गई है. अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएं YBZ सिंपल में तो ये तकरीबन आपको 20,000 to 25,000 के एक्सपेंस पड़ जाएगा. तो मेरे हिसाब से DX की प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस दी गई है. तो फ्रेंड्स आज का ये रिव्यू था, तो इसके साथ इजाज़त, अल्लाह.